सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और सीएम योगी आज भी अपने दौरे में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कल अपने दौरे के पहले दिन गोरखपुर में सीएम योगी ने नगर निगम की 93.89 करोड़ की 370 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाभार्थियों को मकान की चाबी भी सौंपी है। कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में सिर्फ लूट खसोट मचा करती थी, अब विकास होता है। मयूर शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मयूर, हमने देखा कि कल भी जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री मौजूद थे, सौगातें तो दी ही, साथ ही साथ विपक्षियों पर भी निशाना साधा और जो दो आतंकवादी लखनऊ में गिरफ्तार किए गए उनको लेकर भी हमला बोला है। आज भी अहम दिन रहने वाला है गोरखपुर के लिहाज से। बिल्कुल, गोरखपुर के लिहाज से आज अहम दिन है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरे का दूसरा दिन है। पहले दिन हमने देखा कि उन्होंने तमाम सारी जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, लगभग 94 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है और आज उनका दूसरा दिन है। आज भी वो कई सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई सारी जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण आज वो कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाभार्थियों को उन्होंने चाबी भी सौंपी है। और दूसरी बात जो आपने कही कि गोरखपुर में जाके उन्होंने जो विपक्षियों पर निशाना साधा है वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे समाजवादी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस के लिए है, क्योंकि जब दो आतंकी लखनऊ में पकड़े गए थे उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा था कि मुझे यूपी सरकार पर और यूपी पुलिस पर किसी तरीके से भरोसा नहीं है, तो उसी को लेकर उन्होंने गोरखपुर में एक तंज भी कसा है और यह कहा है कि यूपी सरकार ने और यूपी पुलिस ने और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको यह बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है कि बकरीद से पहले जिस तरीके से आतंकी साजिश रची जा रही थी लखनऊ को दहलाने के लिए, उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम किया गया है, पकड़ने का काम किया गया है और इसके तार जो है जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो सकती है, 14 दिन की रिमांड पे वो दोनों आतंकी हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है मुख्यमंत्री के लिए भी ये लोगों में आके ये विश्वास जगाना कि जो सरकार है, जो पुलिस है, वो कहीं ना कहीं बहुत सक्रिय है और इस तरीके के काम कर रही है कि मात्र एक हफ्ते बाद जब लखनऊ को दहलाने की साजिश रची जा रही थी उसके पहले ही यूपी एटीएस ने सक्रियता दिखाई और उन आतंकियों को पकड़ लिया। वहीं जब विपक्ष हमलावर हुआ, मायावती ने यह कहा कि कहीं ना कहीं जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर कोई राजनीति ना हो रही हो, लोगों में डर ना पैदा हो, ऐसे काम यूपी पुलिस को नहीं करना चाहिए। निशाना साधा है विपक्ष पर और गोरखपुर की जनता से खास लगाव है, गोरखपुर से ही सत्ता की अपनी सीढ़ी को शुरू किया है, सत्ता तक पहुंचे हैं, इसीलिए समय समय पर गोरखपुर जाते रहते हैं और गोरखपुर वासियों को सौगातें देते रहते हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए मयूर, लौटेंगे आपके पास में। मूक बधिरों के धर्मांतरण और लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों पर पहली बार सीएम योगी का बयान कल गोरखपुर से सामने आया। गोरखपुर में सीएम योगी ने कल कहा कि हमारी सरकार और पुलिस ने जिहादियों के मिशन को फेल कर दिया है, ये लोग आजादी के दिन धमाके की साजिश रच रहे थे जिसे बेनकाब कर दिया गया है, आतंकियों के पास से भारी मात्रा में बारूद, बम और आधुनिक हथियार मिले हैं। सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि मूक बधिरों का भी धर्मांतरण कर उन्हें जिहादी कार्य से जोड़ने की साजिश रची जा रही थी जिसे बेपर्दा कर दिया गया है, किसी भी कीमत पर जनता की सुरक्षा में सेंध बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे लोगों के साथ सरकार सख्ती से निपट रही है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बम मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, हम सबकी सजगता, आम नागरिक की सजगता किसी भी व्यवस्था को सदैव सुरक्षित रख सकता है। एजेंसियां काम कर रही हैं, काम करेंगी, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा भी कोई दायित्व बनता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से
सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था, कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसको बेपर्दा किया और आज ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई की जा रही है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, और आज उनके साथ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है।